ये अपना CO2 लेजर मशीन का चिलर है। तो चिलर का काम क्या होता है, ट्यूब में पानी जाता है, पानी को ठंडा करता है और उसका प्रेशर अच्छा रहता है। लेकिन ये पाइप जो लगा हुआ है ना, ये पाइप जाता है CO2 लेजर मशीन का ट्यूब में, जो कि पानी को ठंडा करता है। इसमें एक रहता है यहाँ पे अलार्म का। ये अलार्म का काम क्या है, अगर पानी का प्रेशर आपका रुक गया हो या फिर सही नहीं जा रहा है, तो फिर अलार्म इसमें बजने लगता है। अगर ये वायर आप निकाल देंगे तो आपका लेजर भी नहीं गिरेगा, अगर चार बाई तीन का आपका मशीन है। तो ये अभी इस तरीके से यहाँ पे लगा होता है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या क्या आता है, एक तो मौसम के हिसाब से आपका टेम्परेचर भी सेट करना होता है। फिलहाल टेम्परेचर को भी छोड़ देते हैं। अभी अपने साथ में प्रॉब्लम क्या आता है कि टी 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 आवाज़ कर रहा है सिर्फ, और पानी का फ्लो नहीं जा रहा है। तो पानी का फ्लो नहीं जा रहा है तो इसमें दो चीज़ आपका ख़राब हो सकता है। तो अभी फिलहाल हम इसको खोलेंगे, खोल करके आपको दिखाते हैं क्या क्या प्रॉब्लम आ सकता है। पानी को सबसे पहले हम खाली कर लिए इसमें, ठीक है। अब इसका ढक्कन को खोलते हैं। हालांकि हम एक बार खोल चुके हैं पहले, और क्यों खोले तो वो भी आपको पता चल जाएगा। नीचे उतार दो दोस्त, नीचे रखो। अब इसको खोल लेते हैं। अपना चिलर मशीन है। अभी अपने मशीन में प्रॉब्लम क्या आ रहा था ना, कि ऑन करते तो टी 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 आवाज कर रहा था सिर्फ। कैसा आवाज कर रहा था, अभी आपको आवाज सुना देते हैं। देखिए अभी कैसा आवाज, कंटिन्यू इसी टाइप का आवाज कर रहा है। ये देखिए इसी टाइप का आवाज कर रहा है। और दूसरा चीज क्या है ना, कि अपना फ्लो नहीं बन रहा था, पानी का फ्लो यहाँ पे नहीं बन रहा था। दूसरा यहाँ पे आपका मीटर में भी लाइट नहीं आ रहा, जो कि अभी मीटर में लाइट आ रहा है। तो प्रॉब्लम क्या हुआ था, प्रॉब्लम आपको बता देते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो इस जगह पे मोटर के लिए, प्रेशर के लिए मोटर लगा हुआ होता है। ये पानी खींचता है, यहाँ से आगे भेजता है। तो ये मोटर जो है 24 वोल्ट से अपने मशीन में यहाँ पे ऑन हुआ था, और 24 वोल्ट से आपका ये डिस्प्ले भी ऑन था। तो मोटर मेरा शॉर्ट कर गया था, जिसके कारण 24 वोल्ट का सप्लाई जो है रुक जा रहा था। तो सप्लाई रुकने के कारण आपका डिस्प्ले में भी लाइट नहीं आ रहा था, यहाँ पर भी लाइट नहीं आ रहा था। तो हम तो यहाँ पर टेम्प्रोरी मार्केट से जा करके ये मोटर छोटा सा ला करके हम लगा दिए थे। तो काम इससे कर रहा था अपना, लेकिन अलार्म नहीं रुक रहा था। मतलब अलार्म इसलिए नहीं रुक रहा था, पानी का प्रेशर इसमें जितना होना चाहिए था, जितना फ्लो होना चाहिए था, उतना ज़्यादा फ्लो नहीं होता। फ्लो यहाँ पे होता है, तो यहाँ पे स्विच होता है, जो स्विच जो है अलार्म को रोक देता है, पावर को आगे भेजता है। तो अभी हम क्या किए थे, यहाँ पे देखिए इसमें जो वायर आया था, दो वायर को हम आपस में शॉर्ट कर दिए थे। ऐसे शॉर्ट करके हम फिलहाल कटिंग कर रहे थे। पानी का प्रेशर हमको अंदाज से देख देख करके कटिंग करना पड़ रहा था। तो ऐसे आप काम कर सकते हैं, पानी का फ्लो वहाँ पे भेज करके, लेकिन रिस्क मत लीजिएगा। अगर बहुत अर्जेंट काम है तब जा करके आप पानी किसी भी चीज़ से ट्यूब में भेज दीजिए, लेकिन छोटा मोटा कटिंग कीजिएगा, लंबा कटिंग मत कीजिएगा, ना तो आपको नुकसान हो सकता है। फिलहाल अभी हम 12 वोल्ट का यहाँ पे लगाए थे हम मोटर, जिसका प्रेशर बहुत कम था। तो पावर फुल अपना मोटर आ चुका है। ये है आपका मोटर, देखिए 24 वोल्ट का, ठीक है। ये 24 वोल्ट में है और ये काफ़ी हाई प्रेशर रहता है। दिखने में लग रहा है आपको छोटा, लेकिन काफ़ी प्रेशर रहता है। तो अभी हम इसको लगाएंगे, इसको लगाने के बाद में अभी देखते हैं। तो अभी हम 12 वोल्ट का लगाया था, तो एक्स्ट्रा हमको यहाँ पे एक पावर सप्लाई भी लगाना पड़ा था। देखिए ये पावर सप्लाई भी इसमें लगाना पड़ा था। तो पहले तो हो सकता है कि आप पावर सप्लाई चेक कर लीजिए, इस जगह के आसपास में पावर सप्लाई होता है 24 वोल्ट का। तो 24 वोल्ट का पावर सप्लाई वगैरह सारा चीज़ हम चेक किए, तो पावर सप्लाई सही था अपना, मोटर ही शॉर्ट निकला। तो अभी हम फिलहाल इसमें यहाँ पे कनेक्शन काटा हुआ था, अभी यहाँ पे हम 24 वोल्ट का मोटर को लगाते हैं और ऑन करके देखते हैं। हो गया अपना 24 वोल्ट का मोटर, जो कि मेरा 3-4 दिन अभी काम चलाया है, तो इसको भी फालतू नहीं बोलेंगे। लेकिन इससे आपको रिस्क नहीं लेना है, 12 वोल्ट का मोटर, सॉरी ये 12 वोल्ट का, इससे रिस्क नहीं लेना है। तो ये हमको मार्केट में, लोकल मार्केट में अपने आसपास में मिल गया था 500-600 के आसपास में, कहीं 300 भी मिल सकता है। लेकिन ये जो ओरिजिनल इसके लिए जो आता है पंप के लिए, ये हमको लगभग 1200 रुपये प्लस कूरियर चार्ज एक्स्ट्रा लगा है। अगर आपको चाहिए हो तो कमेंट कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम नंबर डाल देंगे, जहाँ पे ये मोटर मिलता है, चिलर का पार्ट्स वगैरह मिलता है, आप मंगवा सकते हैं, चाहे कोई सही पार्ट्स हो। तो इसको फिलहाल हम यहाँ पे इन कर देते हैं। अब इसको हम यहाँ पे 24 वोल्ट का पावर दे देंगे। तो ये रहा अपना पॉजिटिव और ये नेगेटिव।
पे 12 वोल्ट का जो अलग से सप्लाई जोड़ा है इसका कनेक्शन हटा देते हैं क्योंकि इसका कुछ काम नहीं रहा, लेकिन मेरा 3-4 दिन आराम से काम चलाया है। ये हो गया, ठीक है। अब हम इसको ऑन करके देखते हैं। चिलर देखिए, अभी ऑन करते हैं। अभी टेटे की आवाज़ करेगा। पानी भरेगा, उसके बाद मोटर काम करना चालू कर जाएगा अपना। तो आप देख सकते हैं चिलर अपना ऑन हो चुका है और कहीं पे भी अलार्म का आवाज़ नहीं आ रहा है। अब हम इसको, इससे तो ऐसे कोई मतलब नहीं था फिलहाल के लिए, अभी हम निकाल देते हैं। ठीक है, इसको निकाल देते हैं। यहाँ पे तार को हम शॉर्ट कर लिए हैं, अब लेजर कटिंग करके देखते हैं पल्स आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आप देखिए पल्स आ रहा है, ठीक है, पल्स आ रहा है, ठीक है, ये पल्स आ रहा है। तो ये हम लगाते हैं इसमें इसलिए ना कि ताकि क्या हो, अगर चिलर में कोई प्रॉब्लम आ रहा हो, पानी जा नहीं रहा हो या फिर पानी गर्म जा रहा है, ज़्यादा ठंडा जा रहा है, तो ये आपका अलार्म आवाज़ करने लगेगा। अभी हम इसको तार को खोल देंगे। खोल दिए, ठीक है, ठीक है, तार को खोल दिए। अब हम पल्स मार देते हैं। लेजर नहीं आ रहा, ये देखिए लेजर नहीं आ रहा होगा। अब हम इसको तार को खोल दिए हैं, अब हम इसमें लगा के देखते हैं। ये देखिए, अब देखते हैं कटिंग का लेजर आता है। देखिए लेजर आने लगा, देखिए देख रहे हैं। तो बस यही काम होता है चिलर का और ये बना वायर। तो अगर आपका कभी चिलर ख़राब हो जाता है या फिर पंप हो या फिर कुछ भी हो, तो आप कोई सा भी मोटर से आपका मशीन को चालू कर सकते हैं, लेकिन लंबा कटिंग नहीं दीजिएगा, ज़्यादा दिन तक उसको ट्राई मत कीजिएगा। कुछ दिन तक, कुछ घंटों तक आप काम कर सकते हैं, बाकी जितना जल्दी हो चिलर को आप बना लीजिए, ज़्यादा बेहतर हो। जैसे कि अपना चिलर बन चुका है, काम भी चालू हो चुका है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा और इसी तरह वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं कुछ नए वीडियो साथ में, तब तक के लिए टाइम किया।